अमृतपाल सिंह को पुलिस ने घोषित किया भगोड़ा, एनआईए संभाल सकती है खालिस्तानी समर्थक का केस। पंजाब में आज में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर रोक, अमृतपाल की तलाश जारी। अमृतपाल सिंह पर कार्रवाई के बीच में पंजाब पुलिस और आरएएफ ने फ्लैग मार्च किया, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। अमृतपाल सिंह को अवैध रूप से हिरासत में लेने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। अमृतपाल के घर से एकेएफ जैकेट बरामद, जांच में जुटी पुलिस। सुबह 8 बजे दिल्ली पहुंचेंगे जापान के पीएम, भारत के 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे फुमियो किशिदा। सुबह 11:15 पर जापान के पीएम प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात, विशेष मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी और जापानी पीएम किशिदा G20 में भारत की अध्यक्षता और G7 में जापान की अध्यक्षता पर करेंगे चर्चा। दिल्ली पुलिस के एक्शन का कांग्रेस का इस पर पलटवार, राहुल गांधी की तस्वीर के साथ ट्वीट लिखा, सावरकर समझा है क्या, नाम राहुल गांधी है। कांग्रेस के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान, कृपया महान आत्मा वीर सावरकर का ना करें अपमान, हाथ जोड़कर करता हूं विनती। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को दोबारा जान से मारने की धमकी, 18 मार्च को ईमेल से मिली है धमकी। सलमान खान को धमकी मिलने के बाद FIR दर्ज, उनके घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। बिहार के सहरसा में और नवादा में जनसभा को संबोधित करेंगे गृहमंत्री अमित शाह, पिछले 6 महीनों में गृहमंत्री का यह चौथा दौरा होगा। अमित शाह ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, सोमनाथ ट्रस्ट का मोबाइल ऐप भी किया लॉन्च। किसान महापंचायत के चलते दिल्ली पुलिस के 20,000 जवानों की तैनाती, रामलीला मैदान में 10 बजे से 3:30 बजे तक महापंचायत। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के चर्चित गाने रिंकिया के पापा पर कार्यकर्ताओं संग मुस्कुराते नजर आए आप सांसद संजय सिंह। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने खुले मन से पंचायत मंत्री को दी चेतावनी, कहा अगर कांग्रेस की सरकार आए तो तुझे नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी यूथ पार्लियामेंट में राहुल पर जेपी नड्डा का बड़ा हमला, कहा लंदन में बयान देकर राहुल ने लांग दी, लोकतंत्र की सारी मर्यादा मानसिक दिवालिया हो चुकी है कांग्रेस। ओटीटी कंटेंट को लेकर सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, बोले क्रिएटिविटी के नाम पर गाली गलौच बर्दाश्त नहीं। लखनऊ विद्युत कर्मचारी समिति की हड़ताल समाप्त, 65 घंटों के बाद आंदोलन को लिया गया वापस, ऊर्जा मंत्री AK शर्मा से बातचीत के बाद बनी बात। सीएम ममता बैनर्जी ने राहुल गांधी पर किया वार, कहा राहुल गांधी हैं मोदी की सबसे बड़ी TRP। ममता बैनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा सांसद छप कर बीजेपी राहुल को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले 2024 लोकसभा चुनाव में अपनी भूमिका तय करे कांग्रेस। बीजेपी के शक्ति केंद्र संगम कार्यक्रम में पहुंचे JP नड्डा, 2024 के चुनावों पर चर्चा। चिराग पासवान ने बिहार के राज्यपाल से की मुलाकात, बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा। मोहाली में अमृतपाल के समर्थकों की तरफ से अब बड़ा ऐलान, पंजाब भर में समर्थक करेंगे सड़कें जाम। सीहोर में सिख समाज ने अमृतपाल की कार्रवाई का स्वागत किया, कहा कि कड़ी कार्रवाई की जाए, जो खालिस्तान की बात करे वो सिख नहीं हो सकता। अंबाला में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जुबानी हमले पर विज का पलटवार, बोले बीजेपी प्यार की भाषा का इस्तेमाल करती है, कांग्रेस ने अपने राज्य में किसानों पर चलाई है लाठियां। मुजफ्फरपुर में तमिलनाडु के वायरल वीडियो मामले में मुख्य आरोपी उपेंद्र सहनी गिरफ्तार, रिमांड के लिए तमिलनाडु पुलिस भी पहुंचे। सिरोही में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया नशा मुक्ति भारत अभियान के राष्ट्रीय लॉन्चिंग कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन, हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ। पटना में सुशील मोदी ने किया तेजस्वी यादव पर बड़ा खुलासा, मुख्यमंत्री से तेजस्वी के इस्तीफे की मांग भी की। मोतिहारी में 2 लड़कों की हत्या के मामले में चिराग ने नीतीश कुमार पर जमकर बोला हमला, नीतीश कुमार को बताया अपराधियों का मुख्य संरक्षणकर्ता। हावड़ा में राज्य सरकार के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, बकाया DA समेत कई मांगों को लेकर धरना और भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारी। नरसिंहपुर में पानी की समस्या को लेकर बड़ी संख्या में महिलाओं का SDM ऑफिस में विरोध प्रदर्शन, लाडली बहना को पानी दो किनारे लगाए। छत्रपति संभाजी नगर में शहर का नामकरण करते हुए समर्थन करते हुए लाखों हिंदुओं ने संभाला मोर्चा, कई सालों से शहर का नाम बदलने की जा रही थी मांग। हनुमानगढ़ में फिर से हड़ताल पर गए प्राइवेट डॉक्टर, निजी चिकित्सालयों पर जड़े ताले, राइट टू हेल्थ बिल को राइट टू किल बिल बताया। जयपुर में राइट टू हेल्थ बिल का विरोध जारी, डॉक्टर्स ने अपने अपने अस्पताल किए बंद, इमरजेंसी सेवाएं भी मांग। गुरदासपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, कुछ ही संदिग्धों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की।
देहरादून में वार्डन महिला के साथ छेड़छाड़ को लेकर छात्रों ने जबरदस्त बवाल किया, गुस्साए छात्रों ने तोड़फोड़ की, वीडियो वायरल। आगर मालवा में बीजेपी के पूर्व विधायक गोपाल परमार के घर पर वाहनों में तोड़फोड़, गोपाल परमार ने एक विशेष समुदाय के खिलाफ जताई आशंका। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर हुआ कम, नदी के बीच में दिखने रखे हैं टीले, लोगों ने जताई चिंताएं। खरगोन में बारिश के साथ जमकर गिले ओले, बिछ गए सफेद चादर, गांव में देखा कश्मीर जैसा नजारा। दिल्ली के बुराड़ी में ओले गिरने की वजह से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ, किसानों की फसलों को बड़ा नुकसान। दिल्ली में पहले लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा था, फिर झमाझम बारिश के बाद से तापमान में हल्की गिरावट। मुजफ्फरपुर में फसल कटाई से पहले आंधी और बारिश की वजह से फसलों को नुकसान, किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग। यूक्रेन से अनाज निर्यात की अनुमति देने वाले समझौते को बढ़ाए जाने से यूएन ने पुष्टि की, बढ़ाए जाने की म्याद का खुलासा नहीं हुआ। समझौते के लिए यूएन ने तुर्की सरकार को दिया धन्यवाद, रूस ने 60 दिनों तक बढ़ाए जाने की कही थी बात, 120 दिन बढ़ाए जाने की मांग पर अड़ा था यूक्रेन। थाईलैंड में तूफान और भारी बारिश ने जमकर मचाई तबाही, तेज तूफान में 600 से ज्यादा घरों को नुकसान। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जंग के बीच में पहली बार पहुंचे यूक्रेन, रूस के कब्जे वाले मारियोपोल शहर का दौरा, पुतिन ने मारियोपोल में आम लोगों से मुलाकात की। पाकिस्तान में हिंसक झड़प के मामले में पीटीआई नेताओं के खिलाफ आतंकवाद का मामला दर्ज, सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने के आरोप में दर्ज हुआ केस। इक्वाडोर का तटीय इलाका रिक्टर स्केल पर 6.8 तीव्रता वाले भूकंप के तेज झटकों से दहला तबाही में 13 लोगों की मौत। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव का काम जारी, सुनामी का खतरा नहीं होने की कही गई बात। रूसी नियंत्रण वाले यूक्रेन के दोनेत्स्क में हमले में रिहायशी इमारत तबाह, मलबे में आग के चलते उड़ता धुआं नजर आया। अमेरिका के आसमान में देखा रहस्यमय, जगमगाती रोशनी की लकीर, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, करीब 40 मिनट तक आसमान में रोशनी दिखी। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में मौजूद मलबे के जलने से रोशनी होने की बात कही, 40 मील की ऊंचाई पर मलबा होने की बात आई सामने। करौली में कैला देवी का लक्की मेला शुरू, पहले दिन लाखों यात्रियों ने माता के दरबार में दर्शन किए। कानपुर में दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी ने हुनर फैशन एंड टैलेंट शो करके आयोजन, देशभर के 60 दिव्यांग बच्चों ने लिया हिस्सा। लातेहार में छात्र ने गेट पर परीक्षा में 162वां रैंक लाकर नाम किया रोशन, छात्र पंकज ने यह सफलता सेल्फ स्टडी से प्राप्त की। उत्तरकाशी में पंचकोसी वारुणी यात्रा का आयोजन भव्य रूप से किया गया, जिले और आसपास के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने यात्रा में लिया भाग। झांसी में 10 दिन में फिर से डकैती की वारदात, घर वालों से मारपीट कर 15 लाख रुपए नकद और ज्वेलरी की लूट हुई। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, 15 घंटे में 3 एनकाउंटर, 3 बदमाश गिरफ्तार भी। इंदौर में शादीशुदा ने दिया युवती को धोखा, दुष्कर्म का मामला दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर में हुई गोलीबारी, पुलिस ने 2 लोगों को हथियारों के साथ अरेस्ट किया। इंदौर में बेटे की शादी में कर्ज लिया तो बाप ने अपने मालिक के यहां पर चोरी कर दी, आरोपी गिरफ्तार। दुर्गापुर में एक ही परिवार के 4 सदस्यों को की लाश मिली, अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने में जुटी पुलिस। आरा में दहेज के लिए ससुराल वालों ने गर्भवती विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी, जांच जारी। पटना में दोस्त ने ही दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी, में 750 रुपए के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। पटना में घरेलू विवाद से परेशान पति ने पत्नी की हत्या कर दी, आरोपी पति फरार। आरा में जमीन विवाद में सेना से रिटायर्ड चाचा ने ही भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी, आरोपी फरार। रुद्रप्रयाग में तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आया, सड़क पार कर रहा 9 साल का बच्चा, बच्चे की मौके पर मौत। अलवर में 16 साल के नाबालिग से गैंगरेप, नाबालिग ने फांसी लगाकर रात में हत्या की। ऋषिकेश में खाई में गिरी हुई श्रद्धालुओं की गाड़ी, 2 बच्चों समेत 3 श्रद्धालुओं की मौत, 9 श्रद्धालु बुरी तरह घायल। पटना में शिक्षक ने 20 लाख के लिए अपने ही छात्र का अपहरण किया, पैसे नहीं देने पर छात्र की हत्या भी कर दी। बहराइच में सोशल मीडिया के सहारे तेलंगाना में आरोपियों तक पहुंची पुलिस, किडनैप हुई नाबालिग लड़कियों के साथ दबोचे गए आरोपी। पन्ना में हाईवे पर मिला ज्ञात युवक का शव, शिनाख्त के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। सिरसा में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया, पूछताछ में कई वारदातों का खुलासा होने की संभावना। हरदोई में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, आग से चक्की कारखाना हुआ खाक। अमरावती में बेकाबू कार दुकानों से जाकर टकराई, पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मामला किया दर्ज। इंदौर में कई दिनों से फरार आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार, मां के साथ मिलकर करता था ड्रग्स की सप्लाई। उत्तराखंड के विकास नगर में अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हुई कार, 4 की मौत, एसडीआरएफ ने नदी से 4 शवों को बरामद किया। मुंबई में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एक महिला की मौत, छानबीन में जुटी पुलिस। धमतरी में पत्नी की हत्या के बाद से फरार हुआ आरोपी पति, अब गिरफ्तार, पत्नी से
पैसे मांगने पर यह विवाद हुआ। इटावा में अनियंत्रित डंपर की टक्कर, डंपर के नीचे गिट्टी में दबने से एक की मौत, दो घायल। इंदौर में देवरानी जेठानी के बीच में विवाद में एक मासूम जल गई, हालत गंभीर है। हैदराबाद में ड्रग ट्रांसपोर्टर और एक ड्रग पैडलर को पुलिस ने किया अरेस्ट, जांच जारी। अमरावती में दुकानों से जा टकराई बेकाबू कार, घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। विकासनगर में 600 अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, बुलडोजर चलते ही बेहोश हुई महिला। बागेश्वर में भंडारी गांव में नहीं थे सड़क, गांव के महिलाओं ने खुद ही शुरू किया सड़क को बनाने का कार्य। दौसा में बिजली गिरने से मिट्टी के घरों में अचानक आग लगी, सूचना पर पहुंची दो दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू।